हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रेल हब यूट्यूब चैनल एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना रेल रिपोर्टिंग चैनल। और आज का वीडियो गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन से, जिसको भेजा है एक हमारे प्रिय दोस्त, मेरे ही बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उन्होंने नाम लेने को मना किया था। काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। और गोला गोकरनाथ ये बाहर का आउटर एरिया, पार्किंग एरिया, और गोला में भी काफ़ी अच्छी जगह है बाहर। और ये अंदर का सीन देखिए, रैंप वैम बना के सब रेडी है। यहाँ पे CRS इंस्पेक्शन भी माननीय मोहम्मद लतीफ़ खान कर चुके हैं यहाँ पे, और उसकी रिपोर्ट अब आई है। तो अब रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे जो कमियाँ रह गई हैं गोला रेलवे स्टेशन पे, उसको पूरी की जाएंगी। और सामने देखिए टिकट विंडो, अभी इसको फर्निशिंग टच अभी देना बाकी है, अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही दिखने में। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो प्लेटफॉर्म के जो काम है, जो ट्रैक वर्क, सिग्नल वर्क, सब कुछ रेडी है यहाँ पे। CRS इंस्पेक्शन और स्पीड ट्रायल भी हो चुका है, 2 चरणों में हुआ था। ये देखिए प्रतीक्षालय, खिड़की विड़की सब टूटी पड़ी है यहाँ पे, इसको सब अभी फर्निश्ड किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद ही यात्रियों को सौंपा जाएगा इसे। ये देखिए अंदर से व्यू इसका, अभी पेंट वेंट होना सब बाकी है यहाँ पे, अच्छे से इसकी अभी साफ़ सफाई होगी, उसके बाद फर्निशिंग होगी इसकी। और ये फुटओवर ब्रिज, सीढ़ियों पे देखिए काफ़ी अच्छी पेंटिंग की गई है, हिरन बनाया गया है। और फुटओवर ब्रिज अब आपको व्यू दिखाते हैं गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन का। तो अभी हाल ही में CRS की रिपोर्ट आई है, तो उसके आधार पर कमियाँ सब दूर की जाएंगी, उसके बाद ही इंस्पेक्शन के बाद रेल संचालन शुरू हो पाएगा। फ्रेंड्स, ये है गोला रेलवे स्टेशन का फुटओवर ब्रिज से व्यू, और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, और ये इधर लखीमपुर सीतापुर की दिशा है, ये वाया हरगांव। और लखीमपुर तक रेल संचालन शुरू हो ही चुका है। अब गोला वासियों को इंतज़ार है कि आखिर कब ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ गोला में सुनाई देगी आखिर। तो मान के चलिए नए साल तक गोला वासियों को रेलगाड़ियों का तोहफा मिल जाएगा। और कितनी जोड़ियां रेलगाड़ी चलेंगी अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो उसका जैसे टाइम टेबल आएगा मैं आपको बता दूंगा। और ये इधर मैलानी पीलीभीत वाया पूरनपुर की दिशा है ये, और गोला गोकरनाथ, पहले मीटर गेज ट्रेनें चलती थी यहाँ पे, तो अब ब्रॉड गेज में तब्दील हो गया रेलवे स्टेशन, तो काफ़ी खूबसूरत भी लगता है दिखने में। और जो आजकल के ब्रॉड गेज के जो प्लेटफॉर्म्स हैं हाई लेवल के, वो काफ़ी दिखने में सुंदर भी लगते हैं, चाहे वो हरगांव की बात कर लीजिए, चाहे मैलानी की, चाहे गोला की, चाहे लखीमपुर की, हर जगह के प्लेटफॉर्म काफ़ी सुंदर और खूबसूरत बने हैं। और ये इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर जाने का रास्ता, और ये इधर साइड में जो मालगाड़ी से जो माल की ढुलाई होगी उसके लिए एक स्पेशल ट्रैक बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।